हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि प्रैक्टिस सेट का 7वां भाग है। तो उसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पी पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है, ऑप्शन ए है क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी है फेनरोगेम्स, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेनरोगेम्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सोबायोलॉजी क्या है। तो एक्सोबायोलॉजी क्या है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अन्यग्रह पर जीवन, ऑप्शन नंबर बी है वायु में जीवन, ऑप्शन नंबर सी है स्थलीय जीवन और ऑप्शन नंबर डी है शारीरिकी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्यग्रह पर जीवन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बीजों का, ऑप्शन नंबर बी है फसलों का, ऑप्शन नंबर सी है घासों का और ऑप्शन नंबर डी है अनाजों का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं, घासों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूणों में अनुपस्थित होता है। तो भ्रूणों में क्या अनुपस्थित होता है, ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए है शैवालों में, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स में और इसका ऑप्शन सी है टेरिजोफाइट्स में और ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनावृत बीजी में। तो इसका सही आंसर जो होगा भ्रूण शैवालों में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भारत में गेहूं के काले रस्ट रोगों के लिए संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसका डॉक्टर पहला है डॉक्टर केसी मेहता, ऑप्शन बी है डॉक्टर आरपी राय और डॉक्टर ऑप्शन सी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी है प्रोफेसर बिरबल साहनी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डॉक्टर केसी मेहता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहला कि क्या है, ऑप्शन ए है प्रियॉन लघुत्तम सजीविक कोशिकाएं हैं। तो ये गलत है, प्रियॉन लघुत्तम सजीविक कोशिकाएं नहीं होती हैं। और इसके बाद देखते हैं माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, ये भी गलत है। और यहाँ ऑप्शन सी देखते हैं क्या है, ऑप्शन सी है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आपका। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है, तो बेमेल कौन सा हो जाएगा इसमें, तो फिजियोबायोलॉजी या साइकोलॉजी या पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें आप देखते हैं कि इसी तरह देखने से भी पता चल सकता है कि बेमेल इसमें से कौन है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा साइकोलॉजी, जो कि इन सब से अलग है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, नील हरित शैवाल है या फिर ऑप्शन नंबर बी कवक है या ऑप्शन नंबर सी है अमीबा या ऑप्शन नंबर डी युगलीना है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव इसका सही आंसर होगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, एपिकल्चर, एपिकल्चर जो है कि ये शहद की मक्खी है तो ये सही है, इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद सेरिकल्चर में सिल्कवर्म ये भी सही है, पीसी कल्चर ये लाख का कीड़ा ये गलत हो जाता है और हॉर्टिकल्चर में फूलों का अध्ययन होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीसी कल्चर लाख का कीड़ा ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन सा एक उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन सा एक उत्पादित होता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन ए है सिल्क, ऑप्शन बी है केचुए, ऑप्शन सी है शहद और ऑप्शन डी है अंगूर।
तो इसका सही आंसर जो होगा विटिकल्चर के द्वारा कौन एक उत्पादित होता है, तो विटिकल्चर के द्वारा ऑप्शन नंबर डी अंगूर उत्पादित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। निपेंथिस खर्सियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा पाया जाता है, तो ये आपाती पौधा कहाँ पर पाया जाता है, खर्सियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ पौधा है, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, ये कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन सी है मेघालय में, या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ पौधा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और साथ ही साथ में जो नए स्टूडेंट हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करें जरूर, क्योंकि बेल का आइकन आप दबाएंगे तो तभी आप तक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मानव शरीर में पाई जाती है, या खरगोश रुधिर में पाई जाती है, या लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, या मुर्गे के रुधिर में पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है यहाँ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कीटाहारी पादक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पैशन फ्लावर पादप, ऑप्शन बी है घटपर्णी पादप, ऑप्शन सी है रात की रानी, और ऑप्शन डी जो है वो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा एक कीटाहारी पादक जो है वो घटपर्णी है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए लाया जाता है, तो कब उत्पादन के लिए लाया, इसमें कौन सा उत्पादन के लिए लाया जाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एथेन के उत्पादन के लिए लाया जाता है, या फिर मेथेन के उत्पादन के लिए लाया जाता है, या अम्ल के उत्पादन के लिए लाया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल के उत्पादन के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मेथेन के उत्पादन के लिए, आर्की बैक्टीरिया के समूह का उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन, कार्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो कार्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है, इसका ऑप्शन ए है डलबर्जिया डलबर्जिया, और ऑप्शन बी है सेड्रस, और ऑप्शन सी है क्वेरकस, ऑप्शन डी है आर्जीमोन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्क क्वेरकस नामक पेड़ से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक सहचर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा उपयोगी प्रकारक सहचर है, तो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है इसका जैव उर्वरक है, ऑप्शन बी है प्रवार मूल, ऑप्शन सी है लाइकेन, और ऑप्शन डी है कवक मूल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कवक मूल। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, तो एजोला बहुधा जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका सहचारी कौन सा है, तो वो देखते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए है नील हरी शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर सी है फफूंद, और ऑप्शन नंबर डी है मांस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इन सभी वीडियो का, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो जैव उर्वरक के रूप में कौन सा सूक्ष्म जीवी प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है विषाणु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप है कहलाता है, तो क्या कहलाता है जो नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जन्म देता है, तो उस पादप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उभयलिंगी, ऑप्शन बी है कलिंगाश्रयी, ऑप्शन सी है लिंगाश्रयी और ऑप्शन डी है एक संगमणि। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उभयलिंगी। इसके बाद लाइकेन है, अगला क्वेश्चन जो है वो लाइकेन है, तो लाइकेन क्या है इसका ऑप्शन देख लेते हैं, परजीवी है या रसायन पोषी है या जल पादप है या ऑप्शन नंबर डी सहजीवी है। तो लाइकेन का लाइकेन है, लाइकेन एक सहजीवी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और लाइक आप लोग करते रहिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, तो आप लोग रेलवे का टारगेट लेकर चलिए, फाइंड योर गोल 2018 का लक्ष्य याद रखिए कि हमें लक्ष्य 2018 में प्राप्त करना है, और इस लक्ष्य के साथ ही आप लोग पढ़ाई कीजिए। और इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, तो पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया ऑप्शन इसका देखते हैं, ऑप्शन ए है रिक्तिका में, ऑप्शन बी है ग्रेना में, ऑप्शन सी है स्ट्रोमा में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रोमा में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर टू है आपका ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल और ऑप्शन नंबर डी है मेसोफिल कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो H2O हो जाएगा, ऑक्सीजन का स्रोत जो है वो H2O हो जाएगा, जल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप चलता है तो किसमें चलता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में, और ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये बहुत क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि लगभग सबको पता होना चाहिए। तो हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, या ऑप्शन नंबर बी भूमि में अवशोषित कार्बोनेट से, या ऑप्शन नंबर सी जो है जल से, या ऑप्शन नंबर डी है धातुओं के ऑक्साइड से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल से जीवन देने वाली ऑक्सीजन आती है। अभी देखिए यही क्वेश्चन सेम ऊपर में पूछा था, जो घुमाकर इसे पूछ दिया है यहाँ पर। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं, तो कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ऑप्शन बी है श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, और ऑप्शन नंबर सी है वाष्पोत्सर्जन और चालन, और ऑप्शन नंबर डी है चालन और श्वसन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालन और श्वसन प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं। और इस तरह से टॉप 25 के क्वेश्चंस आपके पूरे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, और ये प्रैक्टिस सेट का 7वां भाग था। और सारे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखें ज़रूर, मैंने जितने भी वीडियो अब तक डाला है, क्योंकि वो सब वीडियो में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जो लोग नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल का आइकन पर जरूर क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।